काफ़ी चीज़ें फैली हुई हैं और मुझे दूसरा पार्सल मेरे शीन का रिसीव हो गया है। मैंने अपने रीसेंट वाले व्लॉग में डाला था या फिर वो व्लॉग अभी तक आया नहीं है जिसमें मैंने दिखाया था कि मेरे शीन से एक इतना बड़ा सा पार्सल आया है गाइस। ओके, तो ये मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही जल्द अपने शायस्टर्स चैनल पे, नॉट व्लॉग चैनल पे। और अभी मुझे दूसरा पार्सल भी रिसीव हो गया है और जिसमें से एक ड्रेस मैंने पहनी थी, ये वाली बहुत सुंदर ड्रेस है ये। तो अभी मैं इसमें से अपना आउटफिट देख रही थी क्योंकि मेरे को कुछ पिक्चर्स क्लिक करवानी है, तो मैं सोच रही थी इसमें से कुछ देख लूँ पहनने के लिए। एंड मैं फ्रेश हो गई हूँ, बाल अभी गीले हैं मेरे। मैं जा रही थी अपने रूम में क्योंकि आज मैं शायद करने वाली हूँ मेरा रूम टूर बहुत रिक्वेस्ट के बाद। और थैंक यू सो मच गाइज, आपको मेरा हाउस टूर बहुत पसंद आया था। बहुत ही खुश हुई मैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया, आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव लिया और अनएक्सपेक्टेड था वो मेरे लिए। तो आई एम सो थैंकफुल टू ऑल माई शाय फैम, आई लव यू। मैं ऊपर जा रही थी क्योंकि मुझे निकलना है मेरी फ्रेंड पिज़्ज़ा के पास कुछ चीज़ें लेने के लिए क्योंकि मुझे शूट करना है और वो चीज़ें मेरे पास नहीं है, तो मैं उसी से लेके आ पाऊँगी। तो इसलिए आई थॉट कि मैं एक छोटा सा मिनी गेट रेडी विद मी एंड मैं रूम टूर दिखा दूँ, इसे व्लॉग में दिखा देती हूँ थोड़ा सा चिन्ना सा मिन्ना सा। और मैं वेट कर रही हूँ कि मैं अपना 2019 का मेकअप कलेक्शन शेयर करूँ। अगर आपने मेरा 2017 और 18 का मेकअप कलेक्शन नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा यार, देखो जल्दी से जाओ देखो। ओके, मैं जाती हूँ ऊपर, बाय। मेरे रूम की हालत आप देख सकते हो, इतना मेस किया हुआ है मैंने यहाँ पे और थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है, उसके बाद ही मैं अपना रूम टूर करूँगी। खैर, एक यूट्यूबर का रूम आई डोंट थिंक सो बहुत ही साफ सुथरा रह सकता है हमेशा, कुछ टाइम के लिए तो ज़रूर रहेगा, वो यूजुअली रखते हैं साफ करना, सफाई करना, सजा के रखना, पर उसके बाद जैसे ही आपके पीआर आ गए वैसे ही आपका फिर से रूम बिगड़ जाता है। लाइक लुक, कबाड़ देख रहे हो आप, बेड की हालत देख रहे हो, मैं बेडशीट भी लेके आई हूँ, मुझे बिछानी है एंड अभी मुझे ये दिख गया। इसे क्या कहते हैं वैसे, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है ये कहते हैं इसको। ये मैंने लिया था मेरे मसूरी से और मुझे पसंद है। तो मैं जा रही हूँ पहले रूम की सफाई करने एंड देन मैं हो जाऊँगी रेडी। ओके, मेरे बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस हो गए हैं गाइस, अगर आप देखोगे यहाँ पे। ओके, मेरा रूम टूर वाला वीडियो तो शूट हो चुका है और अब आप देख भी लोगे कि कितना ज़्यादा मैनेज्ड लग रहा है मेरा रूम क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा किया। मैं ऐसे ही नहीं दिखा सकती हूँ, कभी भी मैं कुछ भी दिखा देती हूँ मेरा कुछ पता नहीं है। और मैं फ्रेश अच्छे से हो गई हूँ एंड आई हैव चेंज माई आउटफिट, लाइक मैं इस तरीके से आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ माई आउटफिट गाइज, सी, ये मिंत्रा से मैंने कुर्ती ली है और ये जो मैंने पैंट पहनी है कट वाली, ये है शेन की, या आई लव दिस कुर्ती, तो मैं यही पहन के बाहर जाने वाली हूँ। एंड आई डोंट नो मैं क्या इयर रिंग्स पहनूंगी क्योंकि मैंने कुछ पहना भी नहीं अभी तक इयर रिंग्स में, लेट्स सी कुछ तो मैं पहन ही लूंगी। खैर, मैं मेकअप में कुछ नहीं कर रही हूँ, आईब्रोज कर लिया है मैंने, लिपस्टिक लगाई है न्यूट्रल कलर की एंड देन आई एम गोइंग टू यूज माई क्रीम क्योंकि मुझे इस टाइम पे ब्लेमिशेस बहुत हो रहे हैं, स्पेशली ये वाला एरिया आई डोंट नो इतना अनइवन क्यों लग रहा है, तो इसलिए मैं ये क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। और आप सोच रहे होगे मैं कौन सी क्रीम लगा रही हूँ, आई नो, और बहुत सारे कमेंट्स भी आएंगे मुझे कि मैं कौन सी क्रीम लगा रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये है मामा अर्थ की बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम विद मलबेरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी फेस क्रीम। सो ये पैराबिन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, इसके अंदर बायो एक्टिव्स है, ये ऑल स्किन टाइप्स को सूटेबल है और जो अनइवन स्किन टोन होती है उसको ये इवन आउट करने में बहुत हेल्पफुल है। लाइक आपके माउथ के कॉर्नर्स में या फिर आपके फोरहेड पे यहाँ पे अनइवन स्किन होती है ना, उसको हेल्प करेगी और जो भी ब्लेमिशेस आपको स्पॉट्स और ये ब्लेमिशेस जो होते हैं छोटे छोटे से उसे हटाने में ये क्रीम हेल्प करती है। मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है और जितना ये प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ये प्लास्टिक यू नो रिसाइकल करते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, मैं हमेशा ही बात बताती हूँ ऐसे। और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई क्रीम है, इसके अंदर है डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट, मार्शमेलो रूट एक्सट्रैक्ट, राइस ब्रान एक्सट्रैक्ट और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं और ये सर्टिफाइड है कि यू नो एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस, तो इसमें ऐसी चीज़ है। और ये इजिली अवेलेबल है अमेजोन पे,
नायका पे एंड मामा डॉट इन पे, लिंक जो होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। और अगर आप यूज़ करते हो मेरा कोड शायद 20 तो आपको मिलेगा 20% ऑफ ऑन मामा डॉट इन। सो गाइज इसका लिंक आप चेक कर लीजिएगा अगर आप चाहते हो कि आपकी अन इवन स्किन जो है वो इवन हो जाए, आपको ग्लो मिले। एंड यू गाइज कैन सी इसको लगाने के बाद काफ़ी स्मूथ भी लगता है फेस। आप इसे लगा के बाहर जा सकते हो और इसके ऊपर आप सनस्क्रीन लगा लो, दैट्स ऑल। सो या सो आई एम रेडी गाइज। सो अब मैं निकलती हूँ, लिपस्टिक हो चुकी है, इयर रिंग्स पहन के मैं जा रही हूँ पिज्जा के घर। लेट्स सी क्या खाऊंगी, कुछ खाया भी नहीं है। आज के मुख्य समाचार हमारी अमारा है, उनको सर्दी लग गई है तो उनको ये मिटन्स, कैप और पूरे कपड़े पहनाए जा रहे हैं। और अमायरा ने गंदी आदत सीख ली है, अमायरा अपने हाथों को मुंह में लेने लग गई है। अब देखो हटाओ भाई, हाथ हटाओ, छोड़ो, फिर से खेलेंगे। अमायरा कैमरे में कंटिन्यू देख रही है, मतलब बेटा आप देख रहे हो उसको कितनी पैक की गई है ये लड़की। ये है वही लड़की, ये वही लड़की है ना। अमायरा ने तो येलो येलो पहना है, क्या बात है। हाँ और पैजामे भी पहनी है। अच्छा ये भी पहन, अच्छा पॉकेट भी है अमायरा के पास। तो बेटू जो जो कोई पैसा हाँ, जो हमारे को हम पैसे देंगे भाई हमारे सारे इसमें रखती जाएंगी। अरे क्यूट है यार, ये तो काफ़ी क्यूट है इसकी पॉकेट। हमारा अभी ठीक आएगी अभी। अम्मा 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 अम्मा, हमारा बेटा भी माल हो गया है, हमारा छोटू बेटा। हाँ हमारे ने बोला हाँ, चलो अच्छा बाय बाय कह दो, सेगा बाय गाइज। अमू अमू बाय 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 बाय। मेला दिलों का आता है, अभी मूवी आ रही है मेला मेला मेला। पिज़्ज़ा नहाने गई है भैया। अभी मायरा, अब तो मायरा 6 month की हो गई है गाइस, तो मायरा अब चलने लग गई और ये मेरे फ़ोन के साथ खेल रही है। मायरू क्या हो रहा है, छोड़ना बेबी, बेबी छोड़ो, मैं एडिटिंग कर रही थी। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे कुछ मंगाना पड़ेगा ऑर्डर करके। एक्चुअली मेरे को कुछ वीडियो शूट करनी है, सो मुझे उसके लिए यू नो कुछ चूड़ा एंड ऑल समथिंग कुछ ऐसा चाहिए था, तो पिज़्ज़ा के पास है तो आई थॉट कि मैं उसी से ले लेती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी। मायरू इसके मायरू के खिलौने, मूवी एंजॉय कर रही हूँ मैम, फिर मैं खाना एंजॉय करूँगी। वैसे पिज़्ज़ा के घर में आई थिंक राजमा चावल बने, लेट्स सी वही खा लूँगी, नहीं तो मेरा कुछ पनीर का खाने का मन है। बेटा देखो कौन है, ये कौन है, और सलमान जी है। ओह क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, आराम हो रहा है। अभी हमने मायरा के बर्थडे का केक खाया है जो कि बहुत ही टेस्टी था पर बहुत कलरफुल था। सिक्स मंथ कंप्लीट होने की खुशी में 2 तारीख को कटा था, पर हमारे लिए फिर भी रखा गई थी। मैंने बता दिया ऑलरेडी मायरा 6 month की हो गई गाइस, और तुमने बोला वो चलने लग गई है, अभी वो सिर्फ बैठना सीख, ऐसे ऐसे सर के बल तो चलती है, क्रॉल करना थोड़ा थोड़ा सीख गई है। जी 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 जी, मछली हो गई हो तुम, मछली हो गई हो, देखो कैसे देखती है लड़की। मेरी अमायरा भी बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। हाँ मैं लोगों को कंफ्यूजन, अमायरा मेरी भाभी की बेटी है, यानी मेरी भतीजी, मेरी नीस। और मायरा लाइक सिर्फ ये हटाना है, मायरा पिज्जा की डॉटर है और ये पिज्जा करीबन 2.5 महीने बड़ी है। और हम दोनों ननद और भाभी नहीं है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं गाइस। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कंफ्यूजन। खैर मैं निकल रही हूँ घर के लिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है और मेरा काम तो हो गया, पिज्जा भी खाया, पर मैंने वो क्लिप नहीं शूट किया, क्यों नहीं किया, भूल गई हूँ। खैर पिज्जा का यहाँ पे राजमा चावल भी खाया तुमने, राजमा चावल भी खाया था। अच्छा मैं जा रही हूँ, बाय 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 बाय। वेयर इज ब्रॉनी, मुझे इधर एक ब्रॉनी से बहुत डर लगता है, इधर के एक ब्रॉनी से नहीं, मतलब क्या है, गेट खुला हुआ है, मैं खोलने में लगी पड़ी हूँ। ओके गाइस बाय 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 बाय, ओके बाय बाय। मायरा अब कब लेंगे, पता नहीं यार। गाइस मैं जैमी रुखसार के साथ हूँ, रात हो गई है और मैं पिज़्ज़ा के घर से आने के बाद मुझे एक सूट की स्टिचिंग करानी थी, तो इसलिए मैं रुखसार के घर आई हूँ रात के टाइम पे। और यहाँ पे डांस हो रहा है खुले रोड पे, खुला है मेरा पिंजरा।
अच्छा मेरा बेटू, छोटा सा बेटा मेरा, छोटा बेटा है कि बड़ा बेटा है पहले बताओ, कौन सा बेटा है मेरा है? मायरा, मायरा, हमारा। ओके गाइस, देखो मेरे पास कौन है, मायरा, मायरा। मेरे बेटू की तबीयत खराब है, छोटे बेटे की, अभी मिटन्स पहनाए हुए हैं मायरा को, मायरा ने पैजामी उतार दिया गाइस। चलो भाई, छोटा सा बेटा खड़ा हो जाए, मेरा प्यारा सा बच्चा, आई लव यू बेटू। ऐसे दिख नहीं रहे आप, ऐसे ले लो, ऐसे रख लूँ, मायरा दिखेंगी इसमें, ऐसे दिख रही है मायरा। क्या है ये, क्या है? जब मायरा को कैमरे में देख रहा होता बड़े ध्यान से देखती है। खैर मैं वापस आ चुकी हूँ अपने घर पे। लक्षाल की गल से पता है बुआ ने गोलगप्पे खाए थे बेटू। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द डे, नथिंग फैंसी, नथिंग स्पेशल, जस्ट अ नॉर्मल डे इन माई लाइफ। बस मेरी मायरा ठीक हो जाए, प्लीज दुआ करिएगा सबके साथ, करेंगे ना। कितनी प्यारी लग रही है, देखो यार कितने प्यार से देख रही है। ना 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 ना, ऐसे करने से कहते हैं बच्चे बीमार हो जाते हैं, ऐसे करने से। ओ आपने तो बहुत गंदा कर लिया मुँह, ये क्या हो रहा है? बुआ किससे बातें कर रही है, मायरा को लगता है बुआ किससे बातें कर रही है। आई थिंक मुझे स्किन केयर अब कर लेनी चाहिए, वैसे मैंने अपनी क्रीम तो लगा ली थी। ओके गाइज, से बाय मायरा, गुड नाइट बोल दो सबको। एक बार मुस्कुरा दो मेरा बच्चा, मुस्कुरा देगा, नहीं मुस्कुराएगा। चलो फिर सबको बाय बोल दो, चलो बाय गाइज। मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, मुंह में भी नहीं जा सकते, तो बाय बाय भी निकल सकती मैं। से बाय।